हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कि जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं निश्चित समाकलन के, कि जो ठीक है उनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अगर देखो ये अगर ये जो गुण आपको अच्छे से आ गए ना, तो समाकलन में कब कौन सा लगाना है वो मैं आपको समझा दूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा, साथ ही साथ कुछ बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कैप्चर करेगा, कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फालतू में वेस्ट हो जाएगा ठीक है आपकी पूरी टाइमिंग। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना। तो जो टॉपिक है हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन में बार बार यूज़ इनका करना पड़ता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे, ठीक है, तो नंबर वन की जो प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं पी ज़ीरो प्रॉपर्टी, ठीक है, पी वन नहीं बोलते, नंबर वन है इसका मतलब पी वन नहीं लिखेंगे, पी ज़ीरो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट ए से बी जा रही है और आपके पास कोई फलन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिस जो एक फलन है जिसका जो फलन एक्स के टर्म में जा रहा है जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, और आपको एक्स के सापेक्ष ही उसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस समाकलन में जो ये जो वेरिएबल्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिमिट वही रहेगी ए से बी। जैसे एक्स डी एक्स थे तो उसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कि एफ टी डी टी कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है पी ज़ीरो, ये क्या कहती है कि आप फंक्शन की वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है तो उसको आप टी डी टी कर सकते हैं, यू डी यू कर सकते हो, वी डी वी कर सकते हो, मतलब वेरिएबल्स को उसके करस्पॉन्डेंस, ठीक है, देखो डी एक्स है और एक्स है तभी टी 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 हुआ है तभी वो चेंज हो रहा है, ये नहीं कि तुम इसको टी कर रहे हो और इसको डी एक्स ही रहने दिया, ऐसे नहीं, दोनों चेंज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, आसान शब्दों में कहूँ तो, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाती है। नंबर टू, देखो कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनका हम सीख तो रहे हैं लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो क्लास ट्वेल्थ में जिनके बिना क्वेश्चन होता ही नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन में उसका यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी पी वन बोलते हैं जिसे हम, पी वन प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है ए से बी, आपके पास एफ एक्स और डी एक्स है। सो क्या होता है, आपको पता है हमेशा कि जो लोअर लिमिट को हमें नीचे रखना होता है और अपर लिमिट को हमें ऊपर रखना होता है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ऐसा इंटीग्रेशन बन जाता है कि लोअर में बड़ा वैल्यू आ जाता है और अपर में छोटा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है ना कि लोअर वाले लिमिट को नीचे लाना पड़ता है और, ठीक है, मतलब बड़ी लिमिट नीचे जो रहती है उसको ऊपर लेना पड़ता है और ऊपर वाले को नीचे लाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लिमिट चेंज करते हो, जैसे बी को तुम नीचे ले आए और ए को तुम ऊपर ले गए, अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर बच्चों। और एक चीज़ आपको और एक ध्यान रखना है, लिमिट चेंज करोगे तो माइनस लग गया, इन शॉर्ट आपको और एक चीज़ याद रखनी है, अगर लिमिट दोनों की दोनों सेम है, जैसे कि एक इंटीग्रेशन है ये लिमिट यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, और एफ एक्स डी एक्स करोगे तो उसका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा, ठीक, ऑलवेज ज़ीरो आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इस पर भी ये जो क्वेश्चन है ये भी शानदार था, इसका भी यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट वैसे तो सारे ही हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जिन पर लिख रहा हूँ वो क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से ज़्यादा यूजेस में है, ठीक है, इनका यूज़ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम पी टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, पी टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पता है कहाँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहाँ करने को मिलेंगे, इसका यूज़ तुम्हें कहाँ करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन जानते हैं ना, जो फंक्शन इस टाइप में होगा मॉड के अंदर लिखा होगा उसमें आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या कहती है, इस पर क्वेश्चन भी मैंने
कुछ दिन पहले सॉल्व करा रखा है, और आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी में उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया जाता है, लिमिट को ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, इसे आप लिख सकते हैं अपने आसान भाषा में, लिमिट को ब्रेक करना। ठीक है, अपने आसान भाषा में लिमिट को ब्रेक करना। क्या करना है, जैसे ए है यहाँ पर नीचे वाला लिमिट, इसको यहीं रखो, इसको इस फंक्शन जो आपको दे रखा होता है ना उसको सॉल्व करने पे आपको और लिमिट्स पता चलती हैं। जैसे कुछ मिलेगी, एक कुछ वैल्यू मिलेगी वो यहाँ आ जाएगी, ए टू सी, सी बाकी जो चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तुमने सी पे तुमने ख़त्म किया तो तुम्हें सी से ही शुरू करनी है, और यहाँ पर क्या थी फाइनल लिमिट, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा फिर से वही एफ एक्स डी एक्स। तो ये लिमिट को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, इस लिमिट को मैंने तोड़ दिया, एक नया लिमिट मुझे सी मिला, सी पे मैंने ख़त्म किया, सी से मैंने शुरू किया। अगर देखा जाए तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई जिसे हम पी टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे नंबर चौथी प्रॉपर्टी जिसे हम पी थ्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, पी थ्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये लिमिट है मेरी ए से बी और यहाँ है एफ एक्स डी एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये ए से बी है, जो भी मेरे पास फंक्शन दे रखा है उसके जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस दोनों लिमिट को जोड़ा और एक्स उसमें से घटा सकता हूँ, मतलब जो भी आपको फंक्शन दे रखा है ना उसके में से एक्स घटा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये साइन एक्स था एफ एक्स की जगह पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी कहती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। ठीक है, बाहर से डी एक्स, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करो, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है तो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, लेकिन समझना आपको सब कुछ है, क्योंकि अभी नहीं तो क्या पता फ्यूचर के क्लासेस में इसका यूज़ हो जाए, क्या पता आपको ऐसा क्वेश्चन देते जिसमें आपका यूज़ करना पड़ जाए। तो प्रॉपर्टी तो हमें सारी ही सीखनी पड़ेंगी, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हो गई, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे जिसे हम बोलते हैं P4। इसका तो भाई हद से ज़्यादा यूज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखूँगा मैं इसको। क्या लिखूँगा मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है और इसकी पहचान क्या है वो भी देख लो। अगर आपकी लिमिट ज़ीरो से शुरू हो रही है और यहाँ पर कुछ लिमिट है, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, और ये है एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करना होता है, ये तो ज़ीरो टू ए रहेगा, फंक्शन ए में से एक्स माइनस करना होगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ आपको हद से ज़्यादा करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में इसका होता है यूज़। ठीक है, पाँचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अगर लिमिट ज़ीरो से ए जा रही है, ज़ीरो से जा रही है एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ए में से एक्स घटा के लिख सकते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं छठी प्रॉपर्टी पे जिसे हम P5 बोलते हैं। P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ज़ीरो से 2a है, अगर 0 से 2a है और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हमें दे रखा है, तो इसको आप कैसे लग सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये P5 प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है, तो कैसे करना है, देखो 0 से a, यहाँ 2a था तो a लिया, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a, फिर यहाँ हो जाएगा एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसका भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट अगर ऐसा आएगा तो हम कभी कभी अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले 0 से a जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a गया, फिर फंक्शन में से 2a में से x माइनस करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी छह प्रॉपर्टी हो गई, सातवीं प्रॉपर्टी पे आ जाओ जिसे हम बोलते हैं P6 प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ये भी काफ़ी शानदार है। ये अगर 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, अब आपको बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक क्या है, ये जो 2 है बेटा, ये 2 सामने आ जाता है
और इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये चीज़ तभी होती है, ये चीज़ तभी होगी, ये तभी होगी जब फंक्शन 2a माइनस अगर x करोगे तो वो एफ एक्स के बराबर आ जाए, ये चीज़ तभी होगी, ठीक है। अगर फंक्शन 2a में से अगर x घटा रहे हो और वो इसी के इक्वल फिर से आ जा रहे हैं तब आप 2 को सामने लिख सकते हो, या फिर क्या होगा, अगर f 2a माइनस x कर रहे हो और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो यही चीज़ किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी P7, आठवीं प्रॉपर्टी हमारी P7 प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपकी इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में जा रही है, सेम लिमिट है, ए यहाँ पर भी ए यहाँ, लेकिन यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, और एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ लग जाएगा ट्वाइस और यहाँ लग जाएगा ज़ीरो से ए, कब 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 कब, जब ये चीज़ तो तब होगी जब आपकी जो एफ एक्स हो वो क्या हो बेटा, एक समफलन हो। समफलन जानते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, समफलन बोले तो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इवन फंक्शन, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बेटा, इवन फंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दूँ इवन फंक्शन का, तो जैसे मेरे पास एक एफ एक्स बटा क्या दे रखा है, कॉश एक्स, तो तुम एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो कॉश माइनस एक्स, ठीक है, तो ये फिर से कॉश एक्स आ जाएगा, तुमने रखा एक्स की जगह माइनस एक्स लेकिन ये फिर से आ जा रहा है। तो ये समफलन क्या होता है बेटा, समफलन क्या होता है, अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम समफलन कहते हैं, तब तो ये होगा, अगर समफलन है तब तो ये होगा, या फिर अगर विषम फलन है ज़ीरो तब आएगा आंसर डायरेक्टली। ज़ीरो कब आएगा, जब अगर आप एफ माइनस एक्स कर रहे हो और ये माइनस एफ एक्स आ जाए, ठीक है, यानी कि विषम फलन, ऑड फंक्शन, ठीक है, तब आपका ज़ीरो आएगा। अगर मैं बात करूं ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो मैंने फंक्शन ले लिया साइन एक्स, अब एफ एक्स की जगह तो माइनस एक्स रखो, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस रखो, साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का तुमने क्या माना था, एफ एक्स। तो देखो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। अगर ऑड फंक्शन आता है यानी कि विषम फलन आता है, तो माइनस ए से ए जाने पर फंक्शन एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो सीधी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण देके भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपकी आठ प्रॉपर्टी है जो P0 से शुरू होकर P7 तक जाती है। आप वीडियो को एक बार दोबारा देख के रिवाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो देखो, ये प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छे से आ गई ना, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, सो प्रूफ के टेंशन मत लो। और अगर आपको ये आ गया ना, तो ये क्वेश्चन, ये 7 पॉइंट जो 11 प्रश्नावली है वो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो विविध प्रश्नावली है, विविध उदाहरण है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, और आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिंक्स डाल रखूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करना, लाल बटन को काला कर देना और नोटिफिकेशन पे ऑल कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता लग जाए। चलिए, और शेयर करना मत भूलना बच्चों। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।